कुरुक्षेत्र में किसानों ने किया हंगामा। रिलायंस द्वारा लगाए टेलीकॉम टावर्स और रिलायंस द्वारा खोले गए मॉल्स को बंद करवा दिया है। किसान आंदोलन को 37 दिन हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए ठिठुरते ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीते दिन हुए किसानों की केंद्र सरकार के साथ बैठक में बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की दो मांगे मान ली हैं। बिल में पराली और बिजली से जुड़े मुद्दे पर सरकार ने सहमति बना ली है। बस जिन्ना ज्यादा मोदी काले कानून वापस नहीं लैंदा, क्योंकि सारे नूं पता है भी अंबानी अंडानी दे दबाव हेठ उन्हें कानून पास किए ने। उन्ना चर अंबानी अंडानी दे अही कुरुक्षेत्र दे वसनीक आ, कुरुक्षेत्र शहर जिथे भी होणगे जां पंप होएगा जां कोई इन्हां दा स्टोर होएगा जां टावर होएगा असीं बंद करावांगे। अज प्यार नाल आए आ, अगली बार करार भी हो सकती, उस तो अगली बार कुछ और भी हो सकता है। क्या नाम अपना? अमरिंदर सिंह। मेरा नाम जोधा सिंह है। हाँ जी, आज क्या प्रोटेस्ट है? आज हमने यहाँ पर रिलायंस जियो का जो ट्रेंड है मॉल में उसको हमने बंद किया करवाया है और स्टोर को बंद करवाया, और अब हम पेट्रोल पंप बंद करवाने जा रहे हैं, और जो जितने भी यहाँ पर टावर होंगे रिलायंस के हम उसका बायकॉट करेंगे। सब तो पहले जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिदा थानू पता भी किसान अंदोलन दिल्ली च चल रहा, तो अज उन्होंने 29वां दिन है, ठीक है। तो सरकार जेडे काले कानून है ये वापिस करने हट नहीं लई, मतलब कि जिन्ना उन्हें कट है जिन्ना 29वां दिन हो गया उन्होंने शर्म आनी चाहिए। बी ठंड च बैठे ने, 5 डिग्री टेम्परेचर है उत्थे दा। आज अपने यहाँ पे क्या किया कुछ? यहाँ आपने किया जियो रिलायंस के टावर का बायकॉट किया, क्योंकि मोदी जो है ये उसकी गुलामी, अंबानी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, तो हम पहले इसकी जड़ काट रहे हैं, ये बात है। जियो को लेकर कुछ दिन पहले किसान संगठनों ने जो बंद करा था उसको लेकर शिकायत सौंपी है रिलायंस की तरफ से। सर, शिकायत क्या है? शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है कि हमारे को 24/12 को हमारे वहाँ आके शोरूम पे और हमारा उद्योग बंद करा दिया और हमारे को अंदर जाने से रोका और धमकी दी। इस बारे में कल शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर अभी अंकित करके तब तो शुरू कर दी। तो सर, शिकायत के दौरान पता लगा भी कितने जो टावर है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, कितने स्टोर बंद कराए? अभी तक टावर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कितने को नुकसान पहुंचा है या कितने को उन्होंने बंद किया है, कोई ऐसी आई नहीं है। बाकी तफ्तीश के दौरान कुछ पता लगे तो उसके बारे में आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये भी पता लगा भी कितनी संख्या है लोगों के, मुख्य कोई नाम हो? अभी तक कोई नहीं, अज्ञात के खिलाफ ही अभी हुआ है, उसमें किसी प्रकार का भी ये नहीं, उन्होंने भी अज्ञात के खिलाफ ही कराया है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे कार्रवाई की। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।